हेलो गाइस, MMMUT का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग ओपन हो चुकी है। लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ यार, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखो, सबसे पहले आपको ब्राउजर में टाइप करना है www.MMMUT.ac.in। आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप लोग इस वाले पेज पे आओगे, ऑनलाइन काउंसलिंग वाले पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करके जो है NIC.in की लेटेस्ट वेबसाइट इनकी अपडेट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग लाइव हो चुकी है। आप यहाँ पे आ जाओगे, है ना, यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग वाला जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा, जिसको क्लिक करके आप लोग किस इस तरह से यहाँ पे आ सकते हो। अब यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, जहां पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और ये वाला कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट कर देना है। अब स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं कि पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा होगा, है ना, शेड्यूल कैसा रहेगा, आपको क्या क्या करना है। तो देखो, इस बार कुछ नए ब्रांचेस MMMUT के अंदर ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले उस ब्रांच के ऊपर बात करते हैं कि कौन सा ब्रांच ऐड हुआ है। तो आपका जो ब्रांच ऐड हुआ है नया, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंटरनेट थिंग्स IoT। तो ये वाली ब्रांच आपकी जो है न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है, पहली बार MMMUT के अंदर लाया गया है इस साल से, है ना। तो एक और एक्स्ट्रा ब्रांच आपका ऐड हुआ है, पहली बार तो ये है MMMUT के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कितनी फी पेमेंट करनी है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो आपको ₹2500 का पेमेंट करना होगा। ये पैसा जो है आपका नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है, कौन से बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, तो 10+2 में आपके एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST हैं तो 50% मार्क्स चलेगा, ठीक है, है ना, एंड एटलीस्ट 60% एवरेज मार्क्स, 55% इन द केस ऑफ SC ST इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो 60% आपका जो है PCM होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 60% आपका PCM होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है कि विद एटलीस्ट 60% एवरेज मार्क, 55% इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST कैटेगरी इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड वन ऑफ द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टेक्निकल वोकेशनल, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे 60% ये लोग PCM देखते हैं। पूरा प्रोसेस जो है JEE मेंस की CRL रैंक के ऊपर किया जाएगा। होम स्टेट एंड अदर स्टेट कैंडिडेट को भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि डिटेल में आपको बताया है। यहाँ पे पूरे प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं कि पूरा प्रोसेस आपका किस तरीके से रन कर रहा होगा। तो यहाँ पे शेड्यूल में जाके आपको शेड्यूल वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, जहां पे आप क्लिक करके इनका शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। अब शेड्यूल के ऊपर बात करते हो, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कितना टाइम है आपके पास। तो सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो ही चुका है, 24 तारीख से 10 बजे से आपका पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, है ना। लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग लॉकिंग जो है पहले राउंड की, रजिस्ट्रेशन ओनली वन टाइम अलाउड है, ध्यान रखिएगा। 15 तारीख तक आप लोग रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हो। तो एक ही बार में जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तुरंत जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, ₹2500 आपका पे होगा और आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा, है ना। उसके बाद पहले राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा वो 17 जुलाई को आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट जो है आपको सीट अलॉटमेंट के टाइम पे अपलोड करना होगा। जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको जो है ₹40,000 पे करना पड़ेगा पहले, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फी होगा। इसको पे करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी जो डेट है यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट राउंड के बाद 17 से लेकर 19 जुलाई के बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। एंड यहाँ पे देखिए, डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड कंफर्म द फीस। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है आप पैसा जमा करना है और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको रिस्पॉन्ड टू क्वेरी में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड के अंदर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं है। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग सीधा सीधा जो है 29 जुलाई को सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, है ना। फ्रीज फ्लोट वाला ऑप्शन वही है जो फर्स्ट राउंड में था। जिसको कोई सीट मिली है सेकेंड राउंड के अंदर, पहली बार मिली है, तो उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, है ना, और जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके आपको फ्रीज या फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो फ्रीज करना होगा, नहीं तो फ्लोट करना होगा। इसके लिए भी जो टाइम फ्रेम है वो दिया हुआ है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में को करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कितनी सीटें खाली है उसकी डिटेल आएगी। और थर्ड राउंड का जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो है 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा।
8 अगस्त को, 8 अगस्त को आपको थर्ड राउंड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वही प्रोसेस जो ऊपर चलता आ रहा है, अगर आपको सीट पहले से मिली हुई है, आपने डॉक्यूमेंट्स पहले से अपलोड कर रखे हैं, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। लेकिन जिसको पहली बार सीट मिलेगी भैया, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, है ना। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी, फिर उसको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं कि फ्लोट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 12 से 18 अगस्त के बीच का प्रोसेस है। तो यहाँ पे 3 राउंड की डिटेल्स इन्होंने दे दी है। तो हर साल ये 3 राउंड की डिटेल देते हैं, लेकिन इसके बाद इनका राउंड 4 होता है, ठीक है। राउंड 5th होता है, 6th होता है और 7th राउंड होता है। 7 राउंड की काउंसलिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद 2 स्पॉट राउंड होते हैं, जिस ठीक है ना। तो इसके बारे में ये बाद में डिटेल लेके आएंगे। तो आई होप सो कि आपको शेड्यूल क्लियर हो गया होगा, पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में बता दिया है। 40,000 रुपए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। ये तब पे करना है जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और ये पैसा जाके आपके कॉलेज में एड हो जाएगा। आई होप सो गाइस कि आपको पूरा आइडिया लगा होगा MMMUT काउंसलिंग के ऊपर, है ना। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यार, आप स्टार्ट कर दो। गाइस जो बच्चे भी वेट कर रहे हैं MMMUT के गाइडेंस के लिए या चॉइस फिलिंग हेल्प करने के लिए, हमारा काउंसलिंग मिनी लॉन्च हो चुका है, जो कि 499 के अंदर ही है, जहां पे HBTU, MMMUT और AKTU कंबाइन तीनों प्रोसेस जो है उसकी आपको चॉइस फिलिंग जो है वो मिलने वाली है इस प्राइम सेगमेंट के बाद, MMMUT, HBTU एंड AKTU। तो ये तीनों की चॉइस फिलिंग आपको है, आपको जो मिलने वाला है वो 499 के अंदर मिलने वाला है। 1 टाइम का कॉल सपोर्ट भी है इस प्लान के अंदर, जो कि 1 आवर का सेशन है। और आपको तीनों ही काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग हम लोग बना के देने वाले हैं इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर, एक्सपर्ट कॉल के बाद। तो यार इसको अवेल कर लो, लिमिटेड स्लॉट्स ही हैं। तो बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग करवा रहे होंगे, नई नई ब्रांचेस ऐड हो चुकी है, कहाँ पे रखना है पूरी डिटेल में बात की जाएगी यार, ठीक है। लिमिटेड स्लॉट्स ही हैं, एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हो, कोई गलती नहीं चाहते हो, तो इसको अवेल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फर्दर कोई भी डाउट एंड क्वेरी रहती है MMMUT काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। MMMUT का शेड्यूल आउट हो चुका है, AKTU का शेड्यूल जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर आउट हो जाएगा, पूरा प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। जैसे MMMUT ने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया और आपका जैसे शेड्यूल लॉन्च हुआ आपका पूरा प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका। तो ज्यादा सोचना नहीं है, आपका एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, जिससे कोई गलती ना हो सके आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में।